बार प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए ना कि बिहार में शीतलहर से ज़्यादा राजनीतिक लहर कहर ढा रहा है। देखिए ना कि बिहार में राजनीतिक खेला जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। बिहार में इस तरह का राजनीतिक खेल पहले भी बहुत बार हुआ है, और हमको लगता है कि आगे भी होते ही रहेगा, क्योंकि ये राजनीतिक खेल जो है वो बंद होता ही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि बिहार ही में इस तरह का राजनीतिक खेल इतना सबसे ज़्यादा क्यों होता है। तो चलिए हमारी जनता के बीच में और अपनी उलझन का सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जनता से बात करते हैं। आइए, तो देखिए कि बिहार में जितना तेजी से मौसम नहीं बदल रहा है, उतना तेजी से जो है वो सियासी लहर बदल जा रहा है। ऐसा क्यों है भैया, बिहार में बार बार इतना खेल क्यों होता है? अब बिहार हर चीज की प्रथम जननी रही है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो या सत्ता बदलने की, जो केंद्र सरकार की जो सत्ता बदलने की रणनीति हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और हमारे जो जितने पुराने नेतागण रहे हैं, लोहिया रहे हैं जिन उत्तर प्रदेश से आते हैं, जयप्रकाश जी रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा केंद्र सरकार को हटाने के लिए यहीं से बिगुल फूका था, और जैसा आपका सवाल है उस सवाल का जवाब एक आम जनता के नाते मैं यही देना चाहूँगा कि राजनीति में हर कुछ जायज है राज करने के लिए। तो राजनीति का मतलब ही होता है राज करने की नीति। और अभी जो बिहार में जो चल रहा है, जैसा कि आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, तो उनका तो कोई भरोसा रहा नहीं है कि कब वो किधर जाएंगे। लेकिन अब चूंकि ये आने वाला समय बताएगा कि, और बिहार की जनता बताएगी कि वो किसे मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में पुनर्स्थापित करती है, जो लंबे समय तक किसी दल बदल की राजनीति पे ना जाए, अपनी पार्टी को लेकर के जनता के बीच में जाए, और जिस पार्टी के साथ लड़े उसको कर्तव्य निष्ठता के साथ, बिना स्वार्थपन के साथ, पूरी तरीके से, पूरी लगन से 5 साल तक उसको चलाने का प्रयास करें, ताकि जनता के नजर में उनकी विश्वसनीयता बनी रहे। देखिए, हमारे उलझन का सबसे बड़ा कारण भैया यही है कि चाहे कोई भी पार्टी रहे, चाहे RJD कह लें या JDU कह लें या BJP कह लें, भले ही आसपास कोई भी पार्टी रहे, सेंटर में रहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन खेल इतना ज़्यादा होता है, साल भर 6 महीने पे, 1.5 साल पे इतना खेल होता है कि हमको लगता है कि 5 साल में वैसे तो एक ही खेल का नियम है, लेकिन बिहार में यहाँ 4-5 खेल हो जाता है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, कहना है कि जो ज़्यादा अत करता है ना, वो खुद अपने आप भस्म हो जाता है। वो अपने खेल में फंस के अपने सुधानपुर चला जाता है। हम लोग का बिहार में कहावत है, और खासकर भोजपुर जिला के, तो वो अपने जाल में फंसेगा जो ज़्यादा खेल करेगा, और अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा, नामो निशान नहीं रहेगा। भैया, बिहार की राजनीति में आजकल एकदम खेल मचा हुआ है, है ना? बिहार की राजनीति के जो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कखनी क्या जी होगा। अब सब अपना अपना सत्ता का जो भूख है, वो चाह रहे कि हम सत्ता पर है, वो चाह रहे कि हम रहे, यही सब हो रहा है। देखिए, सत्ता का लड़ाई चलते रहता है और चलते रहना चाहिए, है ना? सही नेता को लाने के लिए गलत नेता को हटाना भी जरूरी है, और एक गलत नेता को हटाने के लिए सही नेता का लाना बहुत ज़रूरी है। सब बढ़िया बात है ना भैया, लेकिन इतना तुरंत साल भर, 1.5 साल, 6 महीना पे इतना खेल, बड़ा अजीब लगता है। देखिए ये जो हो रहा है ना, इसमें जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। और जनता अगर सतर्क नहीं होगा तो ऐसा ही होते रहेगा, समझे? ये जो है न मंदिर से हमको मतलब है आना, मस्जिद से सबको इसमें राजनीति लानी नहीं चाहिए। और इस राजनीति के खातिर जनता पिसा रहा है, और जनता के पिसाने का मतलब कि जो सरकार कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, तो ये बहुत गलत हो रहा है, समझे? इनको जो है चाहिए किसी पार्टी में ना तो सिर से ही चलाए, और इसको नहीं चलाने ऐसे करेंगे तो फिर इनको बहुत आगे चल के खराबी होगी। देखिए, बिहार के राजनीति में भैया जैसे नहीं, पहले हम लोग बचपन में खेल खेलते थे कि 4 गो कोना रहता था, कोना कोनी लोग खेलता था, 4 गो लोग रहता था, हम लोग कोना कोनी उसको बोलते थे कि ये कोना से दौड़ के वो कोना जाते थे, वो कोना से दौड़ के वो कोना जाते थे, जो चोर रहता था तो जो कोना खाली मिल गया उसमें वो घुस जाता था। तो हम लोग 5 का खेला होता था, 4 कोना 1 5 रहता था,
वही अभी हो गया, राजनीति में हो गया, हो गया। इतना कोई राजनीतिक दल साफ सुथरा नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं, सब स्वार्थ में, जनता के प्रति या देश के प्रति कोई वफादार नहीं। बिहार में ही इतना क्यों होता है और किसी राज्य में इतना ज्यादा नहीं होता भैया? बिहार में ज्यादा स्वार्थी लोग हैं, इस बात को काहे न मानते हैं? कल हम पढ़ रहे थे भैया, कल हम पढ़ रहे थे जब, तो बहुत सारे लोग लिखे हुए थे कि बिहार के राजनीति का कोई माई बाप नहीं रह गया है, ऐसा ऐसा लोग बात लिखे। देखिए नीतीश जी अपने आप में वो एक तरह से ठीक भी है, और नेताओं के बनिस्पत ये मान लीजिए। नहीं, नीतीश कुमार ने तो काम बहुत अच्छा किया है। नहीं नहीं, वो अपने बनिस्पत उसमें अभी तक परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और भाजपा हो, कांग्रेस हो, या एनडीए गठबंधन कहिए या इंडिया गठबंधन कहिए, दोनों में परिवारवाद है, लेकिन वही एक शख्स है कि उसको परिवारवाद नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार जो है वो फिर से जो है वो कहा जा रहा था, बहुत लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो हो सकता है पाला बदल, भैया रुकिए ना, नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल लेंगे। क्या लगता है कि इंडिया अलायंस में उनको वैसा जगह नहीं मिल रहा है, वैसा उनको भाव नहीं मिल रहा है, जितना वो जिस लायक है उस लायक उनको स्थान नहीं मिल रहा है? जो भी रहे कारण, जो भी रहे, लेकिन अंत में तो यही हम लोग समझते हैं भैया कि बिहार में खेला का कोई अंत नहीं है, राजनीतिक खेला का कोई अंत नहीं है। इसका तो अभी क्लियर नहीं हुआ कि खेला होगा या नहीं होगा, दो तीन दिन में पता चल जाएगा खेला होगा या नहीं होगा। मैदान तो सज ही चुका है, अभी सज चुका कि नहीं सज चुका ही तो दो तीन दिन के बाद पता चलेगा। हाँ। चलिए भैया से जानते हैं, भैया बिहार की राजनीति में इतना खेल क्यों होता है? इसलिए कि यूपी बिहार जैसा गंदा राजनीति पूरे इंडिया में नहीं है। हाँ। और इंडिया जैसा गंदा राजनीति पूरे वर्ल्ड के अंदर में नहीं है। क्या लगता है कि आरजेडी में जो है वो नीतीश कुमार के विचारधारा का सम्मान नहीं हो पा रहा है क्या? विचारधारा ने अब दबाव उन पर कितना वो बर्दाश्त करेगा? हाँ भाई बात सही है, दबाव की राजनीति कीजिएगा तो अब एक उनका विधायक बोलता है कि लालू जी के रहमो करम में। हाँ। इसके पहले भी पलटी मारे थे याद कीजिएगा। हाँ। साहबुद्दीन बोला था। हाँ। कि लालू जी के रहमो करम में है। हाँ। तब पलटी मारा था। अब मेन बात भैया देखिए, चलिए कोई नेता बोल दिया, कोई विधायक बोल दिया तो समझ में आता है, लेकिन जो आला कमान है लालू यादव हो गए या तेजस्वी, उनको खंडन करना चाहिए ना? सही बोल रहे, उनको खंडन करना चाहिए। हमें ये लगता है कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव दोनों एक बार हो जाए। हाँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी को काम करने में नहीं बन रहा है, बहुमत का उनका सरकार बने और अच्छे ढंग से बिहार का विकास करें। देखिए बात तो बार बार जो है वो नीतीश कुमार पर ही लोग आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के साथ भी कभी कभी ऐसा परिस्थिति हो जाता है, ऐसा समीकरण क्यों मारता है? क्यों मारता है? हम दोनों गठबंधन से कहेंगे कि अपने स्वार्थ में आप लोग पलटी मरवाते हैं, कुछ लोकल नेता के चलते कुछ दबाव में आप 20 का चुनाव लीजिए। क्या एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार को वोट दिया था? जहाँ जहाँ चिराग का उम्मीदवार था नहीं दिया। हाँ। क्यों नहीं दिया? हाँ। ये गलती एनडीए की भी है ना। हाँ, नेतृत्व का है कि आपने चिराग को छोड़ दिया खुला। देखिए कहीं पर टूट फूट होती है तो गलती किसी एक पार्टी की या किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। हम क्या बोले, हम तो वही बोले कि ये सबका दोष है कि अपने स्वार्थ में कि हम ही बने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, इसके चलते ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक एक तो हकीकत है कि उस पर दाग नहीं है कि परिवारवाद, जातिवाद का और भ्रष्टाचार का उन पर कोई आरोप नहीं है। हाँ। लेकिन और सब नेता पर लगा है। हाँ। लेकिन बिहारों का बहुत नेता पर लगा, दोनों गठबंधन में लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाय हो वाह, लेकिन उन पर नहीं लगा। देखिए बिल्कुल बात सही है कि नीतीश कुमार जो है वो अभी तक इस तरह के आरोपों से तो बरी है, लेकिन एक आरोप जो है वो उससे बच नहीं पाते हैं और वो है पलटी मारने वाला आरोप। अब इस आरोप में कितना दम है कितना दम नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के लिए भी वैसा समीकरण तैयार हो जाता है। मानेगा उसका विधानसभा भंग करने का मांग है। हाँ। एक साथ चुनाव का। हाँ। अब एनडीए मानता है कि इंडिया मानता है। हाँ। इस पर निर्भर करता है, नहीं तो वो एकले इंडिया गठबंधन कहाँ से मानेगा भैया? यहाँ तो ममता बनर्जी जो है वो पंजाब में छोड़ने के लिए, वहाँ पश्चिम बंगाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आम आदमी पार्टी उधर दिल्ली या पंजाब में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इंडिया गठबंधन में भी अपना ही तोड़फोड़ चल रहा है। और नीतीश कुमार जितना सम्मान के हकदार थे, हो सकता है उनको वैसा सम्मान मिल नहीं रहा हो, इसलिए उनके साथ ये सब चीज हो रहा हो। क्या लगता है इतना खेल का कारण क्या है बिहार में, इतना राजनीतिक खेल का कारण क्या है? नीतीश कुमार पक्के हुए राजनीतिज्ञ हैं, ऐसा अनुमान उनको लग रहा है कि जिधर भारी पड़ेंगे उधर पलटी मार जाएंगे। सही बात है। बीजेपी के अच्छा नेता शाह नवाज हुसैन, उनको मुख्यमंत्री बनाइए।
मुख्यमंत्री बनाने के लिए भैया बिहार में जानते हैं कि सबसे बड़ा अंतिम में जो है वो जातीय फैक्टर है। बीजेपी में और भी तो चेहरा है मैडम कि नहीं है, एक नीतीश कुमार तो नहीं है, उनसे लाइक से नवाज हुसैन उनको भी मुख्यमंत्री बनाई है। मेन बात जातिवादी ने मार खा तो वही, इसीलिए आपको क्या जातिवादी मार खा जाता। अभी हम आपको बताए ना कि यूपी बिहार जैसा गंदा राजनीति कहीं भी नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है अंततः भैया बिहार की राजनीति में इतना खेल क्यों शुरू हो गया। ऐसे ऐसे आदमी है तो क्या कीजिएगा, जैसे हम रहेंगे वैसे ना लोग के देखेंगे। बात यही है मैडम, आपकी बात सब वैसी है, उचारेंगे गप नारायण तो गप नारायण। एनडीए का बिहार में चाहे कहीं भी अगर जो है कलेजा है अगर बीजेपी का, तो चिराग पासवान के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बना के देखे, तो अगर नहीं है उसको सरकार आ गया तो फिर जो कह रहा होगा से हमको कहेगा। ये एकदम आम जनता का दावा है। हाँ, आम जनता का दावा है, चिराग पासवान के कभी नहीं बनाएगा ये। खाली हनुमान जी करने से नहीं होगा, क्यों गरीब कई लोग ये करता है नहीं करता है। चिराग पासवान का आज कह रहे न युवक, चिराग पासवान गरीब है जी, देखिए चिराग पासवान है हाँ, ये बात तो है, लेकिन नहीं कभी करेगा। तो वही बात तो लोग तेजस्वी यादव के लिए भी कहता है कि वो भी नव युवक है, तो नव युवक है ना, तो उसको करके दिखाया कि इतना नौकरी दे दिया वो। हाँ, दोनों मिल के दिया ना। हाँ, सांझ को देते हाँ, नौकरी दिया वो। हाँ, कहा कि कोई तलवार बढ़ता है तो मैंने कलम बढ़ता हूँ। हाँ, है और नौकरी दे रहा हूँ, अगर नौकरी मिलेगा तो मंदिर में भी जाएंगे मस्जिद में भी जाएंगे। एक और भैया है, भैया ये बताइए कि बिहार की राजनीति में आजकल बड़ा खेल चल रहा है, हम कौन सी बोल सकते हैं इसके बारे में? आप नहीं बताइएगा, आप नहीं देख रहे हैं खेल चल रहा है। बोले नहीं आता ये सो भी बताएगा। भैया बता दिए हैं, भैया बिहार की राजनीति में इतना खेल क्यों चल रहा है? क्यों बताएं हम? सरकार बदलते रहे उससे मतलब नहीं है। हाँ। सरकार बदलते रहे उससे मतलब नहीं है, जो वैकेंसी है जो नौकरी है जिस पर आदमी तैयार है उसको बरकरार रखना चाहिए। मेन बात है भैया कि एगो बदलता है तो उसके पॉलिसी को नकार देता है, फिर दूसरा का आता है उससे उसके पॉलिसी, ये लोग तो आपस में ही लगे रहते हैं। ये नेताओं का जो है ना ये संगठन बन चुका है, जो आएगा वो बोलेगा कि हम लाएंगे आप कहते हैं लेकिन करते कभी नहीं। छीना छोरी का लड़ाई चल रहा है कि नहीं? स्थिर रहेगा भैया? जैसे मान लिया जाए कि भैया घर में गार्जियन किसी एक आदमी को क्यों बना जाता है? आप सुनते होंगे घर में कहता है कि घर 10 गो माथा पे चलता है, इस घर का कुछ नहीं होगा। कहते हैं हम लोग घर में कि 10 माथा पे चलने वाला घर है, घर का कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस घर में एक माथा रहता है, जिस घर में एक गार्जियन रहता है और जो जिसके पास फैसला लेने का अधिकार रहता है, वो सुनता भले ही सबका है लेकिन निर्णय वही लेता है जो सर्वोपरि रहे और बढ़िया रहे, है कि नहीं? जी, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ निर्णय कौन लेगा? हमारे यहाँ तो निर्णय लेने वाला ही बदलते रहता है। जी, आपका बात कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक? उसमें जो भी बदलना हो बदलाव देखेंगे हम आने वाले जो समय में, ठीक, उसमें जो होगा सामने आएगा, ठीक। कल चिराग पासवान ने जो भी बयान दिया उससे कुछ उसमें कुछ दिख रहा है स्पष्ट रूप से, आने वाले समय में कुछ दिखाई देगा। इसका मतलब हमको ये समझ नहीं आता भैया कि बिहार में इसका कारण क्या है, क्योंकि बिहार में ये सबसे ज्यादा होता है। देखिए बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, इंडिया में है कि सरकार की गलती है। डेमोक्रेटिक हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक। इसमें जो है जनता जनार्दन ही मेन होता है, जनता ही, जनार्दन का मतलब भगवान। अब क्या कहा जाए राजनीति नीतीश कुमार के, अब कभी इधर कभी उधर कभी पलटी मारते रहते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए राजनीतिक समीकरण बनना बिगड़ना तो एक अलग बात है ना, लेकिन इसका कारण क्या है? इसके कारण क्या पता है, मतलब इसके राजनीतिक समीकरण का कारण क्या है, इतना बनने बिगड़ने का कारण क्या है? तो नीतीश कुमार है, काहे इतना बिगाड़ते हैं बनाते हैं वो जाने, कभी इधर पलटी मारते हैं कभी उधर पलटी मारते हैं। अच्छा एक चीज तो है कि सेंटर में हमेशा नीतीश कुमार रहते हैं, अगल बगल पार्टियां रहती हैं लेकिन सेंटर में नीतीश कुमार रहते हैं और पार्टी का समीकरण बनते बिगड़ते रहता है। तो चाबी पार्टी कोई भी बहुमत में रहे सरकार हमारा ही बनना चाहिए, गलती काम। नीतीश कुमार ने देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत सारा काम किया है और बाकी पार्टियां भी खींचता है तब ना जी। अगर देखिए कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार मतलब सही नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पलटी मारे हुए, तो थोड़ा सा हिस्ट्रिकल भी देख ले उनका, उनसे पहले क्या सिचुएशन था बिहार का, ये भी थोड़ा देख लेना चाहिए क्या था। जंगल राज के नाम से फेमस था बिहार अपना, लेकिन वो सब क्लियर कौन किए? नीतीश कुमार का ही देना है उनका। देखिए कहीं ना कहीं अभी जो है जैसे पलटी मारने की बात है, तो पलटी जैसे पलटी मार के जाते कहाँ है नीतीश कुमार? या तो आरजेडी में जाते हैं बीजेपी, तो वो लोग भी पलटी मरवाते हैं तब ना जी। बीजेपी में अगर पलटी मार के जा रहे हैं तो बीजेपी वालों का कहना है कि ठीक है कोई बात नहीं, नीतीश कुमार अच्छा है। अगर आरजेडी में गएंगे तो नीतीश कुमार खराब हो गए, पलटू कुमार हो गए, तो ये थोड़ा सा फंडा समझने चाहिए बाकी किसी व्यक्ति। आरजेडी में ही देख, क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? सम्राट चौधरी को बनाना चाहिए सीएम। अच्छा इतना खेल क्यों होते रहता है? खेल
होता रहेगा जब तक सीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा बिहार में क्या बना है। देखिए जाकर गली गली सड़क, मैं रामकृष्ण नगर रहता हूँ, वहाँ के गली को चीज देख लीजिए, पानी लग जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ हर गाड़ी फंस जाती है वहाँ पे। क्या सीएम करता है यहाँ का, सीएम का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गलियों का तो थोड़ा सा है, लेकिन गली का वार्ड पार्षद कौन है वहाँ के? हाँ तो हम नहीं यहाँ पर रहते हैं, रेंट में रहते हैं। अच्छा, अच्छा। इसलिए और चेंज करना है बिहार को तो वोट बीएचपी को दो करो। नहीं देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का वोट देखिए तभी सुरक्षित रहेगा जब सरकार सुरक्षित। तेजस्वी और नीतीश बहुत अच्छे हैं, सीएम है जो कि हर एक मुद्दा आप देखते हैं सब जाति को लेकर चलते हैं, ये अच्छा नेता है, अच्छा मुख्यमंत्री है। तेजस्वी यादव और जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वोट दीजिए, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इतना अच्छा, अच्छा मान लिया जाए भैया, बहाली देखिए इतना शिक्षक का बहाली का हर एक चीज दिया देते जा रहा है, रोजगार में कोई कमी नहीं हो रहा है, रोजगार में कोई कमी नहीं हो रहा है। मान लिया जाए भैया, देखिए अभी जस्ट अभी मेरा अभी रिजल्ट नहीं हुआ दरोगा में, अभी छठा गया, 58 नंबर आया था हमको, 60 उठाया आईबीसी को। देखिए अभी अभी जो है भैया इधर आइए, अभी जो है शिक्षकों वाली नौकरी निकली तो लोग बहुत खुश थे कि हाँ चलिए अच्छी सरकार चल रही है, शिक्षकों वाली नौकरी मिल रही है, तो नौकरी मिलते रहता है, विकास होते रहता है तो लोगों को भी अच्छा लगता है। लेकिन पता चले सब बढ़िया हो रहा है, अचानक से न्यूज आया कि सरकारें पलट गई है ना, सरकारें बदल गया, तो जनता तो बदलना पड़ता है ना, तो उनको पार्टी भी तब मिलाने के लिए बैठा हुआ है। सीएम तेजस्वी यादव आएगा, तेजस्वी यादव से अच्छा कोई सीएम बन ही नहीं सकता, हमारे तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अच्छा भैया आज एक तस्वीर देख रहे थे जिसमें तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बगल में ना बैठ के थोड़ा दूरी बना के बैठे हुए थे, उसका तो वही काम ही है, मगर हमारे जो अगला सीएम जो कि हमारे शिक्षक भाभी हमारे देखिए 2 सप्ताह भी नहीं हुआ है, 1 मंथ भी नहीं हुआ, 2 लाख टीचर को नौकरी दिया, कितनी गर्व की बात है। तो वही ना कह रहे भैया कि विकास होते रहता सब अच्छा चलते रहता है, अचानक से पता चलता है कि अलग हो गया। पलटू चाचा उसका नाम ही रखे, पलटू चाचा उसका नाम ही है। बहुत अच्छे काम करने वाले हैं जो कि डेवलपमेंट, जो कि बहुत सारा उद्योग भी देने वाले हैं, हर एक क्षेत्र में देख रहे हैं विकास हो रहा है। नहीं मेन क्या होता है ना भैया कि देखिए हम लोग जो है वो जैसे देखिए किसी भी सरकार को थोड़ा सा समय चाहिए होता है, थोड़ा मौका चाहिए होता है ना, कि एक साल में इंसान जो है रणनीति बनाए फिर धीरे धीरे काम करता चला जाए, लेकिन पता चले कि अभी काम करना शुरू ही हुआ तब तक जो है वो कुछ नया खेल शुरू हो गया। तो बिहार में वो तो लगभग हो ही गया है, लेकिन बिहार में इस तरह की चीजें क्यों होते रहती है? मैडम चाचा भतीजा में बाप बेटे में लड़ाई तो होती ही रहती है, फिर कुछ दिन उठते हैं फिर आपस आ जाते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है भैया कि लड़ाई थोड़ा दिल का दूरी ज्यादा हो गया। नीतीश कुमार कहीं जाएंगे उनको रहने वाले नहीं है, बिना तेजस्वी के साथ का और बिना विकास का बिहार कुछ कया कया कलप नहीं। भाजपा रहे उतने दिन क्या हुआ, अभी डेढ़ साल हुआ होगा, डेढ़ साल में कितने नौकरियां बटी, सारे विभाग में सारे युवा खुश है कि नौकरी मिल रहा है, सारे यहाँ की सड़कें दुरुस्त हो गई, यहाँ पीएमसीएच बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर ये बन रहा है, आपका डबल डेकर रोड बाकीपुर में है ना, तो नीतीश कुमार तेजस्वी के जोरदार विकास किए। पहले भाजपा के राज में सिर्फ हवाबाजी होती है, चाचा भतीजा का जोड़ी बेस्ट है, चाचा को लोग बहुत लोग बरगला देते हैं, चाचा इधर चलिए बहुत भतीजा फाल रहा। नीतीश कुमार बहुत समझदार व्यक्ति है, नीतीश कुमार समझदार है, समझदार है इसीलिए तो 20 साल से है, समझदार है इसीलिए तो 20 साल से है, उनको पता है कि कहाँ पे उनका बढ़िया रहेगा कहाँ पे उनका खराब रहेगा। बिहार अच्छा किए हैं अभी तक काम, हम तो कहते हैं कि तेजस्वी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रहेगा, करीब 17 साल रहा होगा जदयू के साथ सरकार बीजेपी का, बीजेपी रही जदयू के साथ, एक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाया बीजेपी जो केंद्र में भी सरकार था उसका। अच्छा अच्छा तो मान लीजिए अभी तो फिर से पलटी मारने वाले हैं, हम मानते हैं ना, और कुछ राज्य सरकार मिलकर के उसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे सरकार जो बिहार सरकार अभी है कभी इधर कभी उधर का इंतजाम हो जाएगा तब ना उसके पास जाएगा। दूसरे नंबर एक सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है, अभी देखिए आप हमको वोट दीजिएगा नहीं दीजिएगा, कहे नहीं दीजिएगा कैसे की आप देखिए मेरा जात है, ये मेरा जात है, हमारी मानसिकता हो चुकी है। बिहार में क्या कारण है इतना जो है उलट गठबंधन सरकार रहता है ना, एक मजबूत
अपना नहीं रहता है, इसीलिए गठबंधन कभी कोई मजबूत नहीं रहता है, अपने पर कोई नहीं है, अपने बलबूते पर कोई खड़ा नहीं होता है। मुख्यमंत्री गठबंधन के सरकार के कारण ये ऐसा होता है, पैर खींच लेते हैं बस गिर जाती है सरकार, ये तो सही बात है। बहुत सारा वाद विवाद होता है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या यही है कि बिहार का जो ये खेल है, सियासी खेल है, कहीं ना कहीं इसमें जनता ही पिसती है अंततः, क्योंकि उनका वोट जो है वो बेकार जाता है, उनका वोट जो है वो बर्बाद होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि कोई भी सरकार रहे, कोई भी सरकार जाए, लेकिन अगर बिहार की जनता का विकास होता है, उनको रोजगार मिलता है, उनका जो है विकास का मार्ग अगर प्रशस्त होता है, तो फिर सारा कुछ सही है, वरना सब कुछ गलत है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।